नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 30 तारीख है और मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत जो फ्लावर लगाना सिखाऊंगी। आज मेरा गार्डन देखिए ऐसे ही खिल रहा है। तो आज मैं सिंड्रेलिया के बारे में बात कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने उसे 10 अक्टूबर को ग्रो किया था और 12 को उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी। तो कुछ दिन ऊपर नीचे भी चलते हैं और कई बार होती है कि चिड़ियाँ भी बहुत परेशान करती हैं, ख़राब कर देती हैं। तो फिर दोबारा जो फिर से टाइम से ग्रो जो हम कर सकते हैं, तो वैसे इससे अगस्त से सितंबर में ग्रो कर लिए जाते हैं। बट मेरे यहाँ इतनी गर्मी होती है कि ज़्यादातर मैं इसे अक्टूबर में ही लगाना पसंद करती हूँ। तो लगाने से पहले इस प्लांट के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जो एनुअल प्लांट है, तो इसके जो फ्लावर्स गुच्छों में बहुत ही प्यारे कई रंगों में होते हैं, जैसे पिंक, वाइट, रेड, पर्पल, ब्लू, और जैसे बाहर से अलग कलर के और बीच में जो अलग कलर के, तो इस तरह से ये देखने में मिलते हैं। और ये डेजी की तरह, जैसे डेजी के फूल होते हैं ना ब्राइट कलर के, उस तरह के ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो प्रोपोगेशन इसकी कैसे करनी है, तो जैसे कि मैंने बता दिया है कि मेरे यहाँ जो जैसे गर्म मौसम रहता है तो इन्हें अक्टूबर में ग्रो करना बढ़िया रहता है। तो वैसे भी आज सितंबर का 30 तारीख है, तो कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाएं तो चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं, और अगर नहीं चलेंगे, ज़्यादा गर्मी होगी बीच में, आज थोड़ा मौसम मुझे ठीक लग रहा है, तो अगर नहीं चलेंगे तो मैं फिर दोबारा इन्हें ग्रो कर दूंगी। तो बस यही सब करना है। और जब सीड हम लगाते हैं तो बहुत हल्के से इन्हें दबाना नहीं है, बस ऊपर ज़रा सा ही ये मिट्टी में डालना है। तो इनकी मिट्टी कैसे होनी चाहिए, तो मिट्टी जो इन्हें पसंद है वो ऑर्गेनिक मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, जैसे गोबर की खाद मिली हो, बर्मी कंपोस्ट मिली हो, पत्तों की खाद मिली हो। और अगर कुछ नहीं हो तो बस एक हिस्सा आप मिट्टी का ले सकते हैं, और एक हिस्सा उसमें, एक पार्ट आप उसमें बारीक सैंड या फिर कोकोपीट मिला सकते हैं, और एक हिस्सा कोई भी जो खाद आपके पास हो तो वो आप मिला सकते हैं। तो उसमें ये बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से चलते हैं। तो धूप की बात करूं, ये शेड लविंग प्लांट है। सुबह की जो है 3-4 घंटे की धूप इनके लिए काफ़ी है, हल्की धूप जो काफ़ी है। बट मैं पूरा दिन, जहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स मेरे गेंदा के रहते, कोसमोस के रहते हैं, जहाँ कोक्सकोम के और भी कई तरह के, तो मैं उनके साथ बीच में भी रख देती हूँ, तो उसमें भी ये अच्छे से चल जाते हैं। और पानी कैसे देना है, तो पानी इनको हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, और ऊपर की लेयर जब सूख जाए, नीचे मॉइस्चर रहे, तो वैसे देना है। और जब सीड लगाएंगे तो फिर छोटी पौध होगी तब तो इनको हल्का मॉइस्ट ही रखना है, और छायादार जगह में बड़े प्लांट्स के बीच में रखना है। तो ज़्यादा फूलों के लिए आपने क्या करना है, गोबर की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हर हफ्ते इनमें डाल सकते हैं, तो उससे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावर्स भी जो हैं वो अच्छे से आते हैं। और जो ठंडी जगहों वाले मेरे भाई बहन हैं, तो जब उनके एक बारी फूल आ जाते हैं तो वो फिर ग्राउंड लेवल से 1 इंच पौधे को छोड़ के कट कर दें ऊपर से, और खाद मिट्टी दोबारा डाल दें, तो फिर से न्यू ग्रोथ हो जाती है और फिर से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने जो पॉट में मिट्टी बनाना जो सिखाया था कि गोबर की खाद वाली, तो यही वो मिट्टी मैंने भर दी है, मॉर्निंग ग्लोरी वाला, तो ये मिट्टी है, तो इसी में मैं लगाऊंगी। और ये मेरे गार्डन के चुने हुए सीड हैं, तो ये पूरे सीड नहीं है, ये पेटल्स भी हैं, ये सूखे हुए ड्राई हिस्से हैं, और जो सीड, तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये बिल्कुल बारीक बारीक सा ये सीड होते हैं, मैंने चुनना सिखाया। ये जैसे बीच में ये मेरे हाथ में लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल ये बारीक सा ये होता है सीड इसका, ये दिख रहा है ना, ये सीड है। तो ये मैं सब पेटल्स के साथ ही डाल दूंगी, कुछ और भी ये इसके सीड हैं। तो बस करना कुछ नहीं, ये ऐसे स्प्रिंकल कर देना है जैसे कि मैं बताती हूँ। तो कुछ डाइमॉर्फोटिका के भी सीड आ गए हैं, तो मैंने सोचा अभी इनको कौन हटाए, इतनी मेहनत करे, तो ये बीच में भी चल पड़ेंगे, तो कोई चक्कर नहीं है, तो मैं हटा लूँगी इनके पौधे फिर। तो बस ऐसे ये कर देना है, और पानी का छिड़काव आपने ये ऐसे कर देना है, इसको मिट्टी मॉइस्ट ही रखनी है इस तरह से। तो ये मैं अब करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये मैंने अच्छे से पानी दे के ये नेट के नीचे रख दी है, ऊपर इसको धूप भी मिल रही है। और जो एनुअल क्राइसेंथेमम लगाना सिखाए थे, तो ये देखिए ये ऐसे प्लास्टिक की टोकरी से, ताकि चिड़िया ने परेशान ना करें, तो ये मेरे ये ऐसे उगाए हैं। और इससे जो है सेमी शेड पसंद है, बहुत ज़्यादा छाया वाली जगह में नहीं रखें, तो फिर जो पत्ते इनके हैं पीले होने लगते हैं और फ्लावर्स भी नहीं आते हैं, तो ये सब चक्कर रहता है, ये आपने ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी खूब सारी वेराइटीज़ होती हैं, और 30 से 60 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है। फिर भी आप नर्सरी में जाके जो छोटी छोटी हाइट के भी ड्वार्फ वेराइटी के प्लांट्स भी ले सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है अगर अच्छी केयर की गई हो तो इन पे फूल ही फूल नज़र आते हैं और पत्ते कहीं दिखते ही नहीं हैं। तो एक बार आप नर्सरी से अपनी पसंद के ले आते हैं तो फिर हमेशा घर में सीड तैयार करके घर पे ही प्लांट्स जो हैं इनके तैयार कर सकते हैं आप। और मैंने अभी जिस मिट्टी में आपको ग्रो करना सिखाए हैं, तो ये वही मिट्टी है जो मेरे पास सिर्फ गोबर की खाद थी, और मैंने मॉर्निंग ग्लोरी वाली मिट्टी निकाल के उसमें मिक्स की थी, और तीन छोटे छोटे डिब्बों की भी मिट्टी थी। तो मिट्टी बनाते हुए ये ध्यान रखना कि एक मुट्ठी आप लकड़ी की राख की ज़रूर मिक्स कर लें, तो उसमें खूब कैल्शियम और पोटाशियम होता है, पौधे की जो मतलब अच्छी उसकी हेल्थ होती है और मजबूती से पौधा खड़ा रहता है और खूब अच्छे फूल भी आते हैं। बाकी ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए, पानी ज़रूरत के अनुसार ही देना है, उतना ही देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो और पानी रुके, तो फिर उससे फंगस आ सकती है और पौधा आपका मर सकता है, उससे रूट्स रोट हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। अगर जिन मेरे बहन भाइयों के बहुत ज़्यादा अभी गर्मी हो रही है, तो वो 3, 4 या 7 अक्टूबर के आसपास ही नहीं ग्रो कर सकते हैं। और जिनके घरों में जो है बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, तो वो इन्हें पेड़ों के नीचे लगा सकते हैं, जहाँ छनती हुई धूप आए, तो वहाँ भी ये बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चलते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे, जानकारी ले चुके होंगे, और इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। और जिनके पास पॉट मिट्टी वगैरह नहीं है तो वो ले आइए, तो फिर आप अपने मौसम के हिसाब से इन्हें ग्रो कर दीजिए। इसी के साथ शुक्रिया जी, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हो सकता है कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो। और चावल के एक बैग में आप 3-4 पौधे लगा सकते हैं। कई बार यह है कि गिलहरियाँ भी कट कर देती हैं और वो चिड़ियाँ वगैरह भी ख़राब कर देती हैं, तो इस पोट में भी मैं जो वैसे तो पोत तैयार की है, और 4-5 पौधे चलने दूंगी, 10 इंची या 10, 11 या 12 इंची का ये पोट होगा। अगर छोटे से पोट में लगाना चाहते हैं तो एक पौधा लगा सकते हैं। तो ये फूल माला वाला जो गेंदा भी मेरे यहाँ खिलना स्टार्ट हो गया, ये देखिए इस तरह से मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किए, डर के मारे कि गिलहरियाँ खा जाएंगी इन्हें। तो चलिए अब मैं कैमरा रखती हूँ और नीचे जाती हूँ, नीचे कुछ काम काज निपटाते हैं, और फिर कल मिलेंगे। नमस्ते।